ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है. ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम विल नॉट कॉज, ये याद रखेंगे आप, ये नॉट को भूल जाएंगे तो आंसर बिल्कुल ही रॉन्ग जाएगा. नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, अब देखिए एडीएच, एडीएच का मेन फंक्शन है कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी. तो वाटर का क्या किया उन्होंने, रीएब्जॉर्ब किया, तो वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. ठीक है, वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. सो डिक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम, डिक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो एडीएच, एडीएच से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. तो ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकता, इसने क्या कह रखा है, नॉट बोल रखा है. ठीक है, रेनिन, रेनिन भी क्या करता है, मेनली इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड रीएब्जॉर्प्शन, रीऑब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम भी क्या होगा उसके अंदर, डिक्रीज होगा. तो ये भी अपन नहीं कह सकते. ए ट्रेल न्यूट्रिटिक फैक्टर प्रेजेंट इन द हार्ट, सो नॉट रिलेटिव ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम. एल्डोस्टिरोन, एल्डोस्टिरोन क्या करता है, रीऑब्जॉर्वेशन ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड एंड सो डिक्रीज द वॉल्यूम. तो आंसर क्या देंगे अपन, थर्ड आंसर देंगे, एट्रियल न्यूट्रिटिक फैक्टर. ठीक, यानी कि थर्ड आंसर रखें. नेक्स्ट अपन देखें, विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम ऑफ द बायोमास इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैक्सिमम डिफरेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो मैक्सिमम प्रेजेंट ऑफ द बायोमास, देखें आप, लेक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि सेकंड आंसर आप राइट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए डिजीज कॉज बाय द ऑटोसोमल, जब ऑटोसोमल प्राइमरी आपसे पूछ दिया जाए तो क्या होगा, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम यानी कि जो 21 जो पेयर होता है क्रोमोजोम का, उसमें एडिशन हो जाता है. ठीक है, मेंटल रिटायर्ड, फेस ऑफ द फ्लैट, इस टाइप के इसके अंदर करेक्टर्स होते हैं. तो आप इसमें आंसर, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ऑटोनॉमल प्राइमरी से कोई मतलब नहीं होता. सिकल सेल एनीमिया इन टायरोसिन एमिनो अम्ल या ग्लूटामिक एमिनो एसिड्स के अंदर से क्या होता है, एक ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, एमिनो एसिड का, तो इसमें आप आंसर डाउन सिंड्रोम जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत सेकंड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेन ऑर्गनलेस, फॉलोइंग सेल ऑर्गनलेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फ्रॉम एटीपी, टू फ्रॉम एटीपी, यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फ्रॉम एटीपी. माइट्रोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट, सो इज द माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, नहीं 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 नहीं, यानी कि ये फ्यूजन से बिफोर में होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जो फ्यूजन यानी ड्यूरिंग द एसे विद इन द न्यूक्लियस, ड्यूरिंग द एसे विद इन द न्यूक्लियस फिर और टू फ्यूजन, यानी जो फ्यूजन होता है विखंडन होता है उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया पेरियर टू फ्यूजन, यानी कि विखंडन से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है इन बैक्टीरिया में.
ठीक है, तो अपन इसमें 4 आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इन केस ऑफ द कपल वेयर द मेक इन हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट, यानी कि स्पर्म बहुत ही लो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, विच टेक्निक विल बी द सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए मेनली सूटेबल क्या है, एंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यही राइट है, मैक्सिमम होता है, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो उससे क्या होगा कि कोई न कोई डिफरेंट एनी स्पर्म वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, नहीं इंट्रोड्यूस ट्रांसफर या गैमिटोजेनेस या और कोई आर्टिफिशियल से इंसेमिनेशन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसॉल, नॉट वैलिड इज एरोसॉल, ठीक है, इस टाइप ऑफ ए डस्ट या अपन कह सकते हैं सॉइल, दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, अरे ह्यूमन हेल्थ से तो यार क्या ही मतलब है, ठीक है, दे अल्टर रेनफुल मौसम पैटर्न, मानसून पैटर्न, इससे भी कोई मतलब नहीं एरोसॉल का, द कॉज इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी कि एरोसेल कॉज इंक्रीज द एग्रीकल्चर ऑफ द प्रोडक्टिविटी, यही राइट है इसके अंदर कि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, तो इसमें अपन 4 आंसर याद रखें, ठीक है, तो ये अपन इसको कंप्लीट करते हैं, थैंक यू भाई।